भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने एवं किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों का सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके आंदोलन को कुचलने के मकसद से उन्हें तरह तरह के कष्ट झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आंदोलनकारी किसानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अनेक किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस दौरान तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने एवं किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष नरेश प्रताप सिंह ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, हमारा आज का ज्ञापन था समझे रोड जाम करने का, लेकिन ऊपर से हमारे नेतृत्व से खबर आई कि रोड जाम मत करिए, जनहित में रोड जाम मत करिए, लेकिन कलेक्ट्रेट पे आप अपने ज्ञापन दें, समस्या को लेकर ज्ञापन दें। उसी के तहत आज हम तय मसौदे के अनुसार से आज यहाँ पाए, वो हमने दिया है। और हमने कहा है कि जो तीन बिल सरकार ने पास किए हैं इनको जो है वापस लिया जाए, ये किसान हित में नहीं है। दूसरे समर्थन मूल्य पे कानून बनाया जाए, ये हमारा ज्ञापन में था आज का, यही हमारा उद्देश्य था कि इसको, क्योंकि इसमें सरकार ने जो इसमें किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है उसमें अनलिमिटेड स्टॉक करने की एक जो है लोगों को जो है बड़े लोगों को ये कर दिया है कि अनलिमिटेड स्टॉक रखेंगे। जब वो अनलिमिटेड स्टॉक रखेंगे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और अपने हिसाब से वो उसको बेचेंगे। दूसरे हमारे जो देसी परंपरागत बीज थे उनको ये फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट में वो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे बीजों को, पुराने बीजों को नष्ट कर देंगे 2-3 साल के अंदर, और अपने बीज उगाएंगे जो महंगे होंगे। 2-3 साल हमें लगेगा कि बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, लेकिन 3-4 साल के बाद वो जो है बिल्कुल जो है अपने ही बीज उगाएंगे और हमारे देसी बीज बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, और जिससे जो है हमें मजबूरी में उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट 25 साल का होगा। ये तो झूठ बोल रहे हैं कि अभी होगा, ऐसा कहीं वो नहीं है। धीरे धीरे MSP भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार कहेगी हमें तो ये गेहूँ खरीदेंगे, हम तुम्हारा देसी नहीं खरीदेंगे, तो हम तो परेशान हो जाएंगे। कहीं भी MSP का जिक्र उस कानून में नहीं है। हम चाहते हैं कि MSP का जिक्र हो, इस पर कानून बने, ये हम चाहते हैं, और हम इसको बगैर देखे समझे इस कानून को लागू अपने ऊपर करना नहीं चाहते, और ये वापस लिए जाएं या कमेटी बनाकर समझे किसान प्लस जजी और प्लस जो है कलेक्ट्रेट मिलके इसमें जो है पुनः विचार करें, और जहां संशोधन की जरूरत हो उन्हें संशोधन किया जाए। प्रदर्शन में शामिल भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष निर्देश चौधरी ने ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए सिटी चैनल संवाददाता को बताया, 76 दिन से किसान महाआंदोलन चल रहा है, जिसमें सभी किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और हमारे राष्ट्रीय आह्वान था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का, कि पूरा यूपी में, पूरे भारत में चक्का जाम हो। लेकिन कल शाम को ही राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश हुआ कि DM साहब के यहाँ जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाए, जनहित को परेशानी ना हो उसको देखते हुए, तो हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग को दिया लेके दिया है, जो तीन काले कानून इन्होंने सरकार ने बनाए हैं किसानों के विरोध में, इन्हें काले कानूनों का वापस ले, और जो हमारे किसान आंदोलन में इस कड़कती ठंड में शीतलहर में चलते लगभग 200 के किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए मुआवजा हो, उनके परिवार को सरकारी जॉब मिलनी चाहिए, और ये जो मुकदमे लगे हैं जिन किसान भाइयों पर, जिन मेरी माता बहनों पर, उनको जेल से रिहा करा जाए, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं, और जो भी आगे राष्ट्रीय का आह्वान होगा हम उस पर 2400 घंटे तैनात हैं, और हम अपना, हमारा आंदोलन सक्रिय है, जारी है, और सरकार इस पर गौर करे, क्योंकि भारत में क्रांति आ चुकी है। जय जवान। इस मौके पर रामवीर सिंह, राम अवतार सिंह, सुरेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, उमेश पाल सिंह एवं भरत पाल सिंह सहित अनेक किसान मौजूद रहे।